हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 02 में हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखे थे, और जो कुछ हमारे पास में टेस्ट योर नॉलेज का है उसका क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ वाई इज इक्वल टू ए ई टेंडिंग टू पावर एम एक्स प्लस बी e tending to power minus mx, prove that d to y upon dx square minus m square y is equal to 0। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे, y is equal to a into e tending to power mx plus b e tending to power minus mx, ठीक है। अब करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन हमें पता है, dy अपॉन dx होता है, ठीक है। और a को कॉपी कर लिया, e टेंडिंग टू पावर mx का डिफरेंशिएशन करोगे तो सिमिलर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। e टेंडिंग टू पावर mx, ठीक है। अगेन इसका पावर का करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा m, ठीक है, प्लस है प्लस b, ठीक है। b डिफरेंशिएशन करोगे e टेंडिंग टू पावर माइनस mx का तो आपको वही फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अगेन इसके पावर का करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस m, ठीक है। m को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो m को कॉमन लेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा a इंटू e टेंडिंग टू पावर एम एक्स माइनस b e टेंडिंग टू पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, आप एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड टाइम तो हमें मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम को इसे लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लेंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ऐसा ही रखो। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वही मिलता है, यानी कि e टेंडिंग टू पावर एम एक्स ही मिलेगा। अगेन इसका पावर का करेंगे तो हमें यहाँ से m मिल जाएगा, माइनस है माइनस b को, b कॉपी कर लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही फंक्शन मिलेगा e टेंडिंग टू पावर एम एक्स। अगेन इसके पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए एम ई टेंडिंग टू पावर एम एक्स और माइनस माइनस प्लस बी एम ई टेंडिंग टू पावर माइनस एम एक्स। एम को ले लो आप कॉमन, ठीक है, तो एम को कॉमन लोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर और ब्रैकेट में रह जाएगा ए इंटू ई टेंडिंग टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टेंडिंग टू पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। अब जरा सा देखो इधर, वाई इज इक्वल टू ए इंटू e टेंडिंग टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टेंडिंग टू पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। तो क्या मैं इस फंक्शन के प्लेस पे y रख सकता हूँ, एम स्क्वायर वाई, ठीक है। कितनी आसानी से ये हमें रिजल्ट मिल गया, मतलब कि ये क्वेश्चन बस ऐसा ही था, सीटी वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तो एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिजल्ट हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, आपके जो है डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
क्वेश्चन फोर का सेकेंड पार्ट करते हैं और आप इसे कर लेंगे इंपॉर्टेंट। हम इसको लगाएंगे 4 स्टार, ठीक है, 5 लगा दो, 6 लगा दो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर के सेकेंड पार्ट में कहता है इफ y इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो में प्रूफ करना, ठीक है। अब ये मत कह देना कि यार ब्रैकेट मैंने रीड आउट नहीं किया, ठीक है, समझदार सॉल्यूशन करें। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से देखो। y इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड पे, ठीक है, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि सारे क्वेश्चन में लिखा है ना बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy अपॉन dx, जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दिया और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मैं सेकंड फंक्शन बोल रहा हूं, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, नहीं छोड़ देते हैं उसको, e टेंडिंग टू पावर ए एक्स और डिफरेंशिएशन किसका हम करेंगे साइन बी एक्स का, प्लस साइन बी एक्स को छोड़ दो, छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप e टेंडिंग टू पावर ए एक्स का, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो यार, e टेंडिंग टू पावर ए एक्स को कॉपी कर लिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, और x के प्लेस पे bx है तो bx रहेगा, अगेन डिफरेंशिएशन मैं इसका कर रहा हूं, ठीक है, तो अब शो नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ठीक है, इसको तो कॉपी करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, कर चुके हैं बट साइन bx, और जब e टेंडिंग टू पावर ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वही फंक्शन मिलेगा, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन इसके पावर का करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से, तो b e टेंडिंग टू पावर ax cos bx प्लस sin bx को कॉपी कर लिया, ठीक है, सीधा के लिखते a into e टेंडिंग टू पावर ax sin bx, ठीक है, इस फंक्शन को देखो जरा सा, क्या हम लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, a को छोड़ के, a को छोड़ के, ठीक है, लिख सकते हैं, तो लिखते हैं b e टेंडिंग टू पावर ax into cos bx प्लस ए वाई, ठीक है, यहां से मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक। अब इसे इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं ए वाई का, या तो हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं बी ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका वैल्यूज हम निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है, आगे मैं काम देगा हमें इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक, तो इसको इधर ले आओ यार, तो इधर लेके आओगे तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को मैं इधर बोलता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मिल जाएगा बी ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, इसे इक्वेशन वन बोला है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, आराम आराम से देखो, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड With respect to x, ठीक है, तो dy upon dx का differentiation करोगे तो मिलेगा d2y upon dx square is equal, ठीक है, हम कहां से differentiation करेंगे, यहां से, confused नहीं होना, इसको हमने equation one कुछ सोच के माना है, अभी दिखाऊंगा, b को ले लिया मैंने common, ठीक है, सिमिलर करो इसका आप differentiation, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है, यहां मानना फर्स्ट और सेकंड मानोगे कोई फायदा नहीं क्योंकि ए कांस्टेंट टर्म हो तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है, तो e टेंडिंग टू पावर e x को मैंने यहां से छोड़ दिया, ठीक है, चलो शो करते हैं पूरी को, शो करें d बाय dx ऑफ cos bx
और हमने छोड़ दिया e टेंड इनटू पावर ए एक्स को, बी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस कॉस बी एक्स को छोड़ दो और डिफ्रेंशिएशन कर दो किसका, e टेंड इनटू पावर ए एक्स का, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देख लो कुछ छूटा तो नहीं, सही है। आइए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है, ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स को कॉपी कर लो, कर लिया, कॉस का डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन, ठीक है, साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे डी एक्स है तो डी एक्स आएगा, अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो यहां से डिफरेंशिएशन करोगे किसका करोगे, डी एक्स का, तो डी एक्स का करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से बी मिलेगा, ठीक है, प्लस लिख देते हैं, कॉस को कॉपी कर लिया हमने, कॉस बी एक्स को कॉपी कर लिया, ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन सिमिलर होगा, इसके पावर पे चलते हैं, पावर पे चलेंगे तो यहां से मिल जाएगा डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा ए, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है, देखो क्या इसको सेपरेट करके लिखे, माइनस बी ई टेंडिंग टू पावर ई एक्स साइन बी एक्स प्लस सीधा के लिखो ए ई टेंडिंग टू पावर ई एक्स इंटू कॉस बी एक्स, पावर जैसा लग रहा है ना, थोड़ी यार राइटिंग खराब है, क्या करो, अब जरा सोचो यार इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को बी को यहां से हटा दो और इतना फंक्शन को देखो, ज्यादा मत देखो, बस इतना देखो, बस बस इतना देखो, ठीक, क्या हम वाई रखते हैं तो बी, ठीक है, और प्रोडक्ट भी कर देते हैं सबको तो स्टेप हमारा बच जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक, प्लस बी को मल्टीप्लाई से करोगे तो ये मिलेगा ए बी इंटू ई टेन इंटू पावर ई एक्स कॉस बी एक्स, ठीक। अब देखो मैंने जो यहां पे इक्वेशन वन माना है तो इस चीज को अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास में बी ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, इसके प्लेस पे हम रख देंगे, क्या रख देंगे, ये वैल्यू इसको रख देंगे, ठीक है, हमारे लिए बहुत इजी सॉल्यूशन होता है, नहीं तो आप आगे में फंस सकते थे, माइनस बी ए स्क्वायर वाई प्लस, ठीक है, हमारे पास में क्या है बी ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स, ठीक है, इसकी प्लेस पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे, डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, और प्रोडक्ट में अपने पास में यहां बच जाएगा क्या, ए बच जाएगा, है ना, तो ए यहां लिख दिया, बस आगे आंसर परेशान होते हैं, ठीक है, चलो प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, माइनस बी ए स्क्वायर वाई प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे किसको करेंगे हम, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा रुको 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 रुको, हमसे गलती हो गया, क्या गलती हो गया कि ए वाई का डिफरेंशिएशन नहीं किया, प्लस यही कर देता हूँ, ठीक है, ए को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी यार मिस्टेक हो गया हमसे, प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान में दे रहा है, ठीक है, प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरा मिस्टेक, प्रोडक्ट करेंगे ए को डी वाई अपॉन डी एक्स से तो मिलेगा ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए वाई से तो हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब देखो यार एक जैसा है जो उसको जोड़ दो और कुछ कॉमन अगर आ रहा है कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर वाई और माइनस ए स्क्वायर वाई ये कॉमन है, ठीक है, तो माइनस को ले लेते हैं कॉमन, माइनस वाई कॉमन लेते हैं, तो यहां से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो तो वन और वन टू हो जाएगा प्लस टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, सारे को उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो आपको मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लिया माइनस तो प्लस, ठीक है, माइनस तो प्लस, लेकिन इसको बाद में लिखना है, इसको पहले लिखो प्लस तो माइनस टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस तो प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये आपका क्वेश्चन प्रूव होता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था कि प्रोसेस को माइंड में रखना है क्यों कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते जाओगे ना तो सेकंड ऑर्डर में फंस जाओगे, अगर ये वैल्यूज आप नहीं निकालते, ठीक है बाद में निकाल सकते हो आप, यहाँ तक तो कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ के बाद में जो है आप सेकंड ऑर्डर लेके चले फिर आपको सोचना है, ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन बगैर सब्स्टिट्यूशन का नहीं होगा, मतलब कि आपको वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का हम इसलिए नहीं किए क्योंकि उसमें सिंपल सा यार पूछा है कॉस इनवर्स निकालने के लिए, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है तो मैं सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इन दोनों करवा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग सॉल्यूशन कर देना। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू टी ब्रैकेट क्लोज ई टेंडिंग टू पावर माइनस एन टी प्रूव दैट डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू एन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी टी इंटू ई टेंडिंग टू पावर माइनस एन टी है, ठीक है डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड में विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। देखो बच्चों ध्यान रख लेना कि यहाँ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है, ठीक है तो जो डिफ्रेंशिएशन करोगे ना वो टी के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है पहले वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में गिवन रहता था जहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते थे, लेकिन अब हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है Differentiating both side with respect to t, ठीक है मैं टू ये जानबूझ के लगाया क्योंकि t यहां पे भी है ना, ठीक तो x का डिफ्रेंसिएशन dx अपॉन dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx अपॉन dt मिलेगा, ठीक है इज इक्वल, ठीक है देखो a प्लस बी ऑफ टी को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और e टेंडिंग टू पावर माइनस एन टी को सेकेंड फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है तो फर्स्ट फंक्शन वाले को मैं छोड़ देता हूँ a प्लस बी ऑफ टी d बाई डी एक्स e टेंडिंग टू पावर माइनस एन टी का डिफरेंशिएशन प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस एन टी को छोड़ दिया d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे a प्लस बी ऑफ टी, ठीक है तो इसको तो कॉपी कर लो a प्लस बी ऑफ टी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यार हमें डिफरेंशिएशन पता है कि वही होता है यानी कि e टेंडिंग टू पावर माइनस एन ऑफ टी होगा, ठीक है और अगेन पावर का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे तो t यहां से तो हट जाएगा, ठीक है यानी कि माइनस एन मिलेगा प्लस कॉपी कर लेंगे e टेंडिंग टू पावर माइनस एन ऑफ टी और a का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस b ऑफ t का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको यहां से मिलेगा b, ठीक है यानी कि इनटू इनटू b, ठीक है सीधा के लिखते हैं इसको तो माइनस n इनटू a प्लस b ऑफ t ब्रैकेट क्लोज e टेंडिंग टू पावर माइनस n t प्लस b e टेंडिंग टू पावर माइनस dx upon dt। अब क्या करोगे जरा देखो गौर से देखो फंक्शन क्या हम इसकी प्लेस पे x रख सकते हैं भाई बिल्कुल रख सकते हैं माइनस nx प्लस b e टेंडिंग टू पावर माइनस n, ठीक है ये किसका आया है भाई तो dx upon dt इक्वेशन वन मान लो आपका मर्जी है अगर यहां से आप निकालना चाहें तो वैल्यू क्या निकाल सकते हैं इसका निकाल सकते हैं, ठीक है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं वो हम बाद में भी कर लेंगे। आगे में चलते अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं टी, ठीक है यानी कि यार क्वेश्चन 4 की तरह है ये है ना
इसको देखो यार, डायरेक्ट हो जाएगा b को छोड़ दिया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका e(10⁻ⁿ), तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे यही मिलेगा, अगेन इसके पावर का करोगे तो मिलेगा -n। ठीक, चलो कोई नहीं, आइए इधर। डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -n को कॉमन ले ले क्या? कोई फायदा है कॉमन लेने से? हाँ, -n को ले दो, ये प्लस में रह जाएगा, ये भी प्लस में रह जाएगा, तो -n को हम यहां से ले लेते हैं कॉमन। dx अपॉन dt यहां से मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस b टेंडिंग टू पावर -n ऑफ t मिल जाएगा। ठीक है, मैंने निकालने के लिए क्यों कहा था कि आप इसकी वैल्यू इसको निकाल दो। ठीक है, तो निकालोगे तो देखो क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, ये dx अपॉन dt, हमने जानबूझ के जगह छोड़ा, प्लस nx इज इक्वल टू b टेंडिंग टू पावर -n ऑफ t। ठीक है, इसे इक्वेशन में 2 कह देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसकी प्लेस पर रख दो, तो -n इनटू dx अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt, यहाँ x लिख दिया है, t आना है, प्लस nx। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट करते हैं -2n dx अपॉन dt, और मल्टीप्लाई करोगे तो -n² x। अरेंजमेंट करके लिखो, अरेंजमेंट करके लिखोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, d2x अपॉन dt² माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2n² स्क्वायर नहीं है, dx अपॉन dt माइनस तो प्लस n² x इज इक्वल टू 0। जरा देखिए रिजल्ट यही है जी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया, यहां से थर्ड पार्ट करवाते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास में, y इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर m साइन इनवर्स x। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और yn0 जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको 1 - x² y2 -xy1 इज इक्वल टू m² y। सॉल्यूशन स्टार्ट करें, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो y इज इक्वल टू e^(m sin inverse x)। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से y1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंगल मिलेगा। ठीक है, e^(m sin inverse x)। ठीक है, अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, m sin inverse x का, तो m तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख लो यार, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है √(1 - x²)। स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² y1 इज इक्वल टू m(e^(m sin inverse x)। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, y रख दो, क्यों, y इक्वल टू e^(m sin inverse x) है, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे पहले y की वैल्यू जरूर दो, 1 - x² √(y1) इज इक्वल टू my। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है यार, देखो मैं इस तरीके से सॉल्यूशन करता हूँ, जिसे आता है बहुत अच्छा, जिसे नहीं आता है कोई बात,
वो भी आराम से सोल्यूशन कर सकता है। इसलिए हम कोई भी स्टेप को जंप करते ही नहीं है, सारे स्टेप्स हो करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, 1 - x² ठीक है, और y1 का स्क्वायर ठीक है, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा m² y² अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो इसे मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा होगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे m कॉन्स्टेंट टर्म है तो कोई जरूरी नहीं कि उसको फर्स्ट और सेकेंड आप मान, ठीक है, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, 1 - x², ठीक है। y1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे, y1² का तो पावर आगे आएगा, आ गया इंटू y1, अगेन y1 का करोगे, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, y2, ठीक है। y2 इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों वो सेकेंड टाइम आप डिफरेंशिएशन कर रहा, तो y2 ही रीड आउट करूँगा, ठीक, प्लस y1² को आप छोड़ दो, ठीक है, और आप डिफरेंशिएशन किसको करोगे, फर्स्ट फंक्शन को। जब फर्स्ट फंक्शन करोगे 1 - x², देखो 1 - x², ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करोगे ये तो जीरो मिल जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं -2x होता है, ठीक है, इनटू -2x, राइट हैंड साइड में चलो, ठीक है। पहले किसका करोगे, y के पावर का, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है, तो 2m² y, अगेन डिफरेंशिएशन y का करोगे तो यहां से मिलेगा y, ठीक। अब क्या करना है, यहां से हम कॉमन लेते हैं, पहले एक बार शो करके आपको दिखाते हैं, 1 - x² इंटू 2y1 y2 -2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times of m² y1 y। हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 times of y1 को, तो फाइनली हमारे पास में क्या यहाँ पे बचेगा, 1 - x² इंटू y2 माइनस क्या निकाल चुके हैं, 2y1 निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ से हम हमारे पास में रह जाएगा x y1 इज इक्वल टू 2m² y1 y, ठीक है। देखो 2 कैंसल आउट होगा, y1 भी कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली आपके पास में क्या मिलेगा, 1 - x² y2 - x y1, ठीक है, रिजल्ट क्या है वो देख लो जरा सा, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे, इज इक्वल टू m² y, ठीक है, रूट हो गया। तो देखो कितने इजी तरीके से हम दोनों पार्ट को कंप्लीट किए, ठीक है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन 7 का पार्ट ए हम आपको करवा देते हैं, पार्ट बी आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 8 का हम फिर ए पार्ट करवा देंगे आपको, उसका सेकंड पार्ट जो है आपको खुद करना है, और जो 8 का पार्ट ए का है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम करवा देंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, इफ y इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² ब्रैकेट क्लोज टेंडिंग टू पावर n, प्रूव दैट ब्रैकेट x² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज y2 प्लस xy1 माइनस n² y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, y is equal to a bracket x plus square root of 1 plus x square tending to power n, ठीक है, differentiating both side with respect to x, ठीक है, तो लिख देता हूँ यार सारे क्वेश्चन में लिखा है, both side with respect to x, y का differentiation dy upon dx, a constant है ऐसे रहने दो, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अच्छा पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो n इंटू b x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², ठीक है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है,
अगेन डिफरेंशिएशन इसका करो, तो जब इसका करोगे तो देखो यार x का 1 मिलेगा, ठीक, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी मैंने बताया, अब डायरेक्ट आंख बंद करके लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, तो आप करोगे किसका एक्स स्क्वायर का, तो डायरेक्ट लिखो 2x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक, एल इंटू ए ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कभी कभी मैं ब्रैकेट नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो टेंशन इतना लेने की बात नहीं, कभी कभी ब्रैकेट को रीड आउट नहीं कर पाते, ठीक है, माइंड से कभी निकल गए तो कोई नहीं, ठीक है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो यहां से हमें कुछ इलिमिनेट होता हुआ दिखेगा, एल इंटू ए ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एन माइनस 1, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ले लिया एलसीएम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहां मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट में तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, अच्छा यहां पे डायरेक्ट लेके क्यों नाम चल रहे हैं वाई में, क्यों जमीन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई का इज इक्वल एन इंटू ए ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और नीचे लिखना चाहिए, चलो कोई नहीं, एन माइनस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो आपके पास में बचा हुआ है एक्स प्लस सदा की लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब देखो पावर इसका 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में देखो बेस दोनों का सेम है, फिर से रिपीट करो बेस सेम है, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं आप एक्सपोनेंट पढ़ें, ठीक है, एन इंटू ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन माइनस 1, ठीक है, इसका पावर ऐड कर दो, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ठीक है, फाइनली हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू ए और इसकी प्लेस पर रख देते हैं वाई, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो वाई लिख सकते हैं, चलो सो कर देता हूँ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1, ठीक है, यहाँ से डग लग रहा लिख दो यार, डग लगता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1, आइए इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे पहले हम क्या करें वाई रख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 इज इक्वल टू, हमें ए को साथ में लिखना है एन ए ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू पावर एन, ठीक, अब इसकी प्लेस पे पूरा को हटा के यहां से हम वाई रखेंगे, रख दिया, ठीक है, कितना रिपीट कर पाओगे, रख दिया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हटेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 का भी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, ठीक, देखो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ एन कॉन्स्टेंट है तो जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, हो गया पावर का, अगेन आपको y1 का करना पड़ेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ये y2, बीच में प्लस का साइन दे दो क्योंकि हमने यहाँ पे y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अब किसका करना है हमें इसका करना है, यानी कि y1 स्क्वायर को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना, तो 2x मिटा दो इसको,
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और तो कुछ नहीं बचा नहीं, इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर वाई वन सॉरी वाई, ठीक है, और अगेन हम वाई का करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें वाई का, ठीक है। यार अगर यहाँ से मैं देखो टू वाई वन को कॉमन ले लूँ, ठीक है, एक बार सजा के लिख देता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई वन वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई वन इन टू एन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब कॉमन ले लो टू वाई वन को, जब कॉमन होगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ से मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, वाई टू यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में टू एक्स नहीं बचेगा क्योंकि टू को हम कॉमन ले चुके, एक्स वाई वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टू वाई वन एन स्क्वायर वाई, यहाँ से ये एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आपके पास में रिजल्ट मिल गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, ठीक है। देखो ये हमें प्रूफ कर रहा था, मिला के देख लो पे यार, देखो एक स्टेप में पीछे छोड़ा, अगर आपका मर्जी है तो आप एक स्टेप बढ़ा लो, ठीक है, जब आप बढ़ाओगे तो देखो क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, कॉपी किया जाए, क्वेश्चन एट का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इफ y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। देखो लॉग है पूरी को हम x मान लें, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, ठीक है, पूरा हमने x माना, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1, ठीक है, और स्क्वायर रूट का जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का, तो 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, ठीक है, ये है इनटू में ऐसे रखो, ठीक है, 2 यहां छूटा हुआ छुटा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको सही कर दिया, अब प्रॉब्लम नहीं है। dy upon dx is equal to 1 upon x plus square root of 1 plus x square, ठीक है, into 1 plus 1 by square root of 1 plus x square, ठीक है, x को यहीं हम लिख देते हैं, LCM ले लो भाई, जब एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा, जिसको तो कॉपी कर रहा हूँ, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लोगे तो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, ये मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। और डिवाइड में हमारे पास में मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये पूरा फंक्शन और ये पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये कैंसिल आउट किया हमने, तो यहाँ से मिलेगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको राइट पे शिफ्ट करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy upon dx is equal to 1 मिल जाएगा, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dy upon dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर,
अब देखो इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर का, तो पावर सब का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, कर दिया, ठीक है। पावर में वन सबट्रैक्ट करोगे तो वन मिलेगा, ठीक है। अगेन आप करोगे डीवाई अपॉन डी एक्स का, तो यहाँ मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन लगाओगे, इसको लिखोगे, ठीक है, डीवाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और वन का तो जीरो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होता है, ठीक है, टू एक्स वन का जीरो, ठीक। यहाँ से हम कॉमन ले लें, क्या क्या कॉमन ले लें, टू डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें, टू डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम दो में से एक कॉमन ले लिए हैं और टू को ले चुके हैं, तो हमारे पास में बचेगा प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। जीरो साइड पे आप शिफ्ट करोगे तो जीरो ही बन जाएगा, फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूफ करना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, मिला दिया, प्रूफ करना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कॉपी कीजिए।